हाईवे के बीचों बीच ये एक जंक्शन है जहाँ पर रुक के अपना एंजॉय करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। एंड आज फिर से हम लोग एक नए व्लॉग में आ गए यार। इस संडे को वीडियो कोई नहीं आई, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी है यार, क्योंकि कुछ बिजी था कहीं और कुछ अच्छे कंटेंट की तलाश में था। जैसे कि अभी देख सकते हो मैं अपनी कार में हूँ यार, तो आज कार से एक अच्छी राइड करने जा रहे हैं। सो हम लोग पटना से बाहर जा रहे हैं। पटना से बाहर एक ऐसी जगह, एक ऐसा चिलिंग स्पॉट जिसे आप मज़ा करोगे यार उसे देख के। एंड ये लॉन्ग राइड थोड़ी सी अकेले तो होने से रही, क्योंकि जब भी लंबी राइड होती है ऐसी जगह होती है तो दोस्तों के साथ चलना पड़ता है। तो अपने अपने दोस्त को पहले कलेक्ट करते हैं, बैठाते हैं और निकलते हैं, और आपको रास्ते के साथ लॉन्ग ड्राइव के साथ आज आपको पटना से बाहर लेके चलते हैं। वैसे पटना के में ही आता है यार, पर बहुत ही मशहूर जगह है, चल चलते हैं। तो यार यहाँ पे वक्त हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, टाइम बीत रहा है, और यार मतलब कि किसी दोस्त का भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं अभी हम लोग रोड पे खड़े हैं, बाईपास में जगनपुरा के साइड। यहाँ पे मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसको पिक करते हैं। यहाँ से जो हम लोग जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन है तो वो थोड़ा दानापुर से थोड़ा आगे है यार, तो वहाँ तक चलना है। एंड बगल में देख सकते हो मुँह वो छुपाया है, तो मैं उसका चेहरा नहीं दिखा सकता बिकॉज नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो और पीछे वाले को तो जानते ही होगा आप तीनों का। हाँ भाई ऐसा, बाकी आगे आपको और दिखाते हैं, और थोड़ा सा वेट करते हैं यार, गर्मी बहुत है, एसी चलाते हैं। तो यार अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे यार, ये है भी दानापुर भीटा वाला रोड है। यहाँ से इसी रोड पे है यार हाईवे जंक्शन। हाईवे जंक्शन एक ऐसा कैफ़े, एक ऐसा रेस्टोरेंट टाइप है समझ लो, जो भी है, बहुत ही फेमस यार। पटना में ना हो के भी, पटना से दूर हो के भी इसका जो क्रेज़ है एकदम नेक्स्ट लेवल वाला है यार। तो आज हम लोग वहीं पे जा रहे हैं पार्टी मनाने, पार्टी सेलिब्रेट करने, थोड़ा चिल करने यार। और लॉन्ग द वे पटना से यहाँ पर आ रहे हैं, और भीटा में यहाँ से कुछ किलोमीटर अब हम पहुँचने ही वाले हैं यार। तो चलते हैं और जल्दी वहाँ पर चलिए, आपको दिखाते हैं हाईवे जंक्शन और खुद भी चिल करते हैं यार। तो चलो चलते हैं। तो भाई यहाँ पे रोड एक्सप्लोर करते करते हम लोग थोड़ा जंगल साइड इधर एक्सप्लोर करते हैं यार, देखते हैं अंदर आज घुस के यहाँ पे कैसा कैसा सीन होता है। ऐसे सिर्फ अगर काम नहीं किया दोस्तों के साथ तो क्या किया जिंदगी में। ये भाई खेत का मालिक मिल जाएगा रे। भाई साहब ये भीटा वाला रोड था, इसमें हम लोगों ने देखा कि कहीं पे जगह है, तो यार घुस गए यहाँ पे। कैमरा थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। हाँ अब थोड़ा ठीक हो गया। यहाँ पे सोच रहे हम लोग आम, ये देखिए तो भाई यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ है। मेरे दोस्त लोग यहाँ पे आम तोड़ रहे हैं, हम भी सोच रहे कि थोड़ा हाथ बटा लिया जाए उनका। बेटा गिर मत जाइए, आम तोड़ते हुए आ जा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हो आम का यहाँ पे बगान है भीटा रोड में। पेड़ से तोड़ के लाए आम भाई, ₹5 आम, ₹5 दो आराम ले जाओ, ₹5 दो भाई, आ जाओ भाई इधर ₹5। अबे भाई ₹2 में आम नहीं मिलेगा, ₹5 आम, ₹5 आम, इधर देखिए ये देखिए ताजे ताजे आम है भाई, ताजे ताजे आम, ताजे ताजे आम, ले जाइए ले जाइए ले जाइए। हाँ
रहेगा चार दिन भाई, मजा आ गया। जब लोग देख रहे बाइक से उसने हॉर्न बजाया, मैं भागा वहां से। बाइक से आ रहा था मोटो। अरे बाइक से हॉर्न बजाया, देख रहा हूं, देख लिया। आगे चला गया। तो भाई उतने मशक्कत के बाद, उतने आम तोड़ने और उतना मस्ती करने के बाद यार हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है यार हाईवे जंक्शन, जो वहां पे अभी गाड़ी पार्क कर रही है। मैंने वहां पे गाड़ी पार्क हो गया, इसको लॉक कर देते यार। तो गाड़ी पार्क कर, अब चलते हैं हाईवे जंक्शन के अंदर यार। एंड यहां से इसका एंट्रेंस आप इसे से देख सकते हो यार। भाई यहाँ पे हम लोग हाईवे जंक्शन में एंट्री ले चुके हैं और ये देख सकते हो यहाँ का एम्बियंस यार, अभी भी बढ़िया लग रहा है। और पीछे देख सकते हो यार यहाँ से। अभी हम लोगों ने एंट्री ले लिया हाईवे जंक्शन में, पीछे देख सकते हो इसका लॉन कितना खूबसूरत है। और जब शाम होती है तो उसके लाइटिंग के साथ और खूबसूरत होगा, तो शाम का वेट करते हैं। एंड अभी देख सकते हो यहाँ पर भी हम लोग इसके पहले वाले जो मेन है, जो भी है स्पेस यहाँ पे खड़े, यहाँ पे इस गेम का नाम बोल रहा है, जरूर कमेंट करके बताइए यार। एंड भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट आइए, ऊपर है यार कैफे, तो चलो कैफे चलते हैं। एंड ऊपर है यार भाई लाइटिंग देख रहे हो, बड़ी गजब की है यार। चलो भाई मजा आता है, लेकिन मजा नहीं आता, बच्चा नहीं रहा यार, मजा नहीं आ रहा भाई। देख सकते हो यहाँ का एम्बियंस यार कितना मस्त है, पीछे पीछे देख रहे हो मतलब डीजे वीजे सब, जो अगर परफॉर्मेंस कुछ होनी है तो वहाँ के लिए यार यहाँ पे भी बैठने, अरे यहाँ पे बैठ सकते हो। अगर आपको मुर्गी मुर्गी चाहिए, देखो हाईवे जंक्शन आते और आपने ये जीप पे फोटो नहीं खिंचाया, पोज नहीं मारा, तो क्या खागा पाया। यहाँ पे ये सेल्फी जोन बहुत ही बढ़िया है, ये देख सकते हो मेरे दोस्त लोग इधर पिक खिंचवा रहे हैं। बैठ गए आप ये मस्त वाली फील ले सकते हो, ये मतलब सीट बिट भी है, इंजन छोड़ के इसमें सब कुछ है, गियर लीवर है। और चलिए गाइस चलते हैं हम लोग हाईवे जंक्शन। भाई इसमें दिखाओ तो क्लच ब्रेक है, क्लच भी है यार, ब्रेक भी है यार, और सेंटर भी है, बस मीटर नहीं है, शीशा भी नहीं है, बस एक फ़ोटो खींचा। एंड भाई थोड़ी सी पोइट पूजा हो जाए तो कैफे, तो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा भरा हुआ है, तो पहले नीचे खा लेते हैं और उसके ऊपर उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं। एंड यार एम्बियंस बहुत, मतलब अंदर इंटीरियर बहुत मस्त है यार। हाय ब्रदर, आई वांट टू सिट हियर। ये देख सकते हो यहाँ पे यार लाल लाल सोफा है, बगल में जजीत है। जजीत एग्जाम चल रहा है, कैसे चल रहा है एग्जाम जजीत? एग्जाम अच्छा चल रहा है, कल इसका एग्जाम है, लेकिन ये आज यहाँ पे आया है, बहुत बुलाने पे आया है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, मैं बोल रहा हूँ बहुत सुधर गया जजीत। हाँ बहुत सुधर गया, बाद में बताएंगे इसके बारे में। तो भाई यहाँ पे उतने चुप, तो भाई यहाँ पे हम लोग आ गया खाने का स्टार्टर। स्टार्टर में ये देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या कहते हैं इसको, चिकन लॉलीपॉप, इसको चिकन लॉलीपॉप कहते हैं, जो मेरे खाने का चीज़ नहीं है, ये दरिंदे लोग का खाने का चीज़ है। और मेरे खाने का चीज़ है यार यहाँ पे बेबी कॉर्न चिली है, तो वो मैं खाऊंगा यार। हाँ भाई तुम लोग डर लगता है, हम सच में डालेगा, ये लोग लगता है कि मैं डालूंगा। ये देखो तो भाई चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका क्या टेस्ट होता है। तो सीना था, तुम्हारा क्या चिकन सही है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपको बोलेगा नहीं कैसा लग रहा है ये चिकन? अभी खाए नहीं है। अभी कौन खाए भाई? ये लोग एक तो दो दो स्टार्टर ऑर्डर किया, ये देखो फिर से चिकन टिक्का आ गया बोलने से। मेरा एक जो स्टार्टर था वो भी खा गया ये लोग, खा गया यार, पाप लगेगा। कोई नहीं आने दो, ये अकेले खा रहे हैं।
इसमें चिकन नहीं जाना चाहिए, चिकन सब ये सब में जाता है, ये प्लेट एकदम शुद्ध रहता है वेजिटेरियन के लिए। ये मेरा माल है, माल से मिल लीजिए। खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया। चाइना हमारे पहला सेट है, पानी पीते हुए सिंगल रहे चले दबा। बात कर सो मैं बात कर रहा था रात के इधर की लुक की यार, रात का लुक आप देख सकते हो यार, क्या भयानक सा लुक है। हाईवे जंक्शन हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो ये स्टेज हो द परफॉर्मेंस एंड ये सब रेडी है, ये सब बट बुक करना पड़ता है एक्स्ट्रा। एंड अभी का टाइम सबसे बढ़िया होता है आपको फोटो के लिए, एंड हम भी लोग खिंचवाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो कार्ड वाला है पूरा सेट है, तो यहाँ पर हम भी खिंचवाते हैं। तो यहाँ पे यार हम खड़े हैं जीप पे, यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं यार, रात के टाइम पे यहाँ पे लाइट का पूरा इंतजाम है और पोज भी दे रहे हैं यार। चलो यहाँ पे फोटो लेना समाप्त हुआ। अगर आपको यार फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉर माय फोटो फॉर माय अपडेट, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का फोटो मैं डालता हूँ, वहाँ के अपडेट डालता हूँ। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड प्रीवियस वीडियोज के आपके BTS मशीन ये सब मिलेंगे। हर्षराज 6216 फॉलो करें इंस्टाग्राम पे यार। रात का इसका सीन तो देख सकते हो, ये हाईवे जंक्शन पूरा लाइटिंग यहाँ पे हो जाता है, एरिया है पूरा। अगर आप बुक करो यार तो यहाँ पे मतलब कि आप लोग कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करा सकते हो, रहा है स्टेज एंड म्यूजिक जो है बाइक बना सकते, सॉरी तो लाइट कम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। एंड हाईवे के बीचों बीच ये एक जंक्शन है जहाँ पे आप रुक के अपना स्पॉट इंजॉय कर सकते हो भाई। इसको स्नूकर बॉल या स्नूकर टेबल शायद कहते हैं, मुझे याद आ रहा है, बट यहाँ पे खेलने के लिए भी है नहीं ऑप्शन यार, तो ये थोड़ा खराब लगा मेरे को। बात करूँ अभी हम लोग इसके टॉप फ्लोर पे है, ये वाला है भाई इतना मस्त एम्बियंस है, इतना मस्त लाइटिंग है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। बट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस खेत के सामने, इसलिए लाइट नहीं आ रही है, फ्लैश लाइट का यूज़ करना पड़ा। चलो दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये फॉल ऊपर वाला है तो उसमें गर्मी होगी। यहाँ पे यार बहुत ही बड़ा लगा पड़ा है और अच्छी सी एयर वेंटिलेशन, देखो ऐसे ऐसी खुली खुली जगह में नेचुरल हवा खाने में भी अलग ही मज़ा आता है। और लाइटिंग तो यार सबसे गर्म यहाँ पर लग रही है, और जो वाइब है म्यूज़िक लगातार, थोड़ा गर्मी है इसमें पसीना आ रहा है। तो जाने से पहले यार यहाँ पर हम लोग ड्रिंक ऑर्डर कर रहा है, थोड़ा सा गर्मी हो रही है तो मतलब ड्रिंक ज़रूरी है। देख ब्लू लगून ट्राई कर रहे हैं, वो आता है देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है और आपको भी बताते हैं भाई। लेकिन आप कह सकते हो ये शहर से दूर है, पटना से कम ये मतलब कि अगर आपका मेन का पटना कंकड़बाग से 25 किलोमीटर दूर है ये हाईवे जंक्शन। इसको अगर आप आओ तो दानापुर भीटा वाले जो रोड में आते हो तो एकदम आपको रोड पे ही इसको मिल जाएगा। पिंक सिटी बगल में है, पिंक सिटी के बगल में भी अगर आप आओ तो मैप तो देख लोगे तो आ ही जाओगे यार। लेकिन आप इधर आके ये फील नहीं करोगे यार, अभी एक हाईवे पे बस यार यहाँ पे देख सकते हो तो भीड़ ही भीड़ है, लोग हर जगह से आ रहे हैं लोग, मतलब इतना है कि आपको जगह नहीं मिलेगा फ्री कभी कभी तो बहुत एक हैपनिंग प्लेसेस है। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है मेरा। और अभी निकलते निकलते देखते क्या होता है, पहले तो दिन तो आ जाए यार। देख सकते हो हमारे यार ड्रिंक ये यहाँ पे आ चुका है यार, ब्लू लगून स्प्रिंग का नाम है एंड वी आर गोना ट्राई। वैसे मैंने तो ट्राई कर रखा है, बहुत ही सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले। चीयर्स करते हैं, लेट्स तो भाई साहब इधर मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, एक साथ चार स्ट्रॉ है, चार स्ट्रॉ से पिएगा। आपको अगर इस ब्लू लगून का अगर टेस्ट बताओ तो ये थोड़ा सोडा में थोड़ा मिंट में थोड़ा सा क्या कहते हैं डाइजेस्ट हो जाता है।
यार इस वंडरफुल जगह को बाय कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर क्या करें, तो जहां आए हैं वहां से जाना तो पड़ेगा। चलते यार देखते हैं। एंड यहां पर ये बाइक भी है सेल्फी के लिए, अगर आपको चाहिए तो ऐसे तो हम लोग गए नहीं। बहुत ही हैपनिंग प्लेस जैसा मैंने कहा, तो तब तक तो आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं यार। तब तक के लिए डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा यार, अपने थॉट को अगर नीचे तो अपने थॉट को एकदम लिख के जाइएगा नीचे, और वीडियो का जैसा भी लगे बता दीजिएगा, खराब अच्छा जो कमियाँ हैं बताया कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जगह नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एंड हाईवे जंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।